नमस्कार, मैं हूं प्रिया। आज है 3 मार्च। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप बिहार से जुड़ी जानकारी से अपडेटेड होना चाहते हैं तो आप हमारे नए सेगमेंट ज्ञान बिहार की को हमारे दूसरे YouTube चैनल रूबरू बिहार पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बिहार विधान परिषद चुनाव की हुई घोषणा। पल्स पोलियो अभियान के तहत अब किशोरों पर भी होगी नजर। मार्च में बिहार में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान। मात्र 10,000 में दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों का दर्शन। बिहार में पहले से ज्यादा सेहतमंद हो रहे हैं बच्चे। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना उच्च न्यायालय में 159 ग्रुप सी के भर्ती के लिए जारी हुआ विज्ञापन। पटना उच्च न्यायालय में स्टेनो और कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती के शुरू होने का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना है। न्यायालय में ग्रुप सी पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्र ध्यान रखें कि पटना उच्च न्यायालय ने स्टेनोग्राफर ग्रुप सी के 129 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट ग्रुप सी के 30 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय की तरफ से स्टेनोग्राफर पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या PHC 1/2022 के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया मार्च 2022 के दूसरे सप्ताह से शुरू होगी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा ऑपरेटर कम टाइपिस्ट पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन के अनुसार इन आवेदनों को मार्च के तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकेगा। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे गीताश्री की। गीताश्री पत्रकार और साहित्यकार है। कहानी, कविता, लेख इनकी प्रमुख विधाएं हैं। लाइव इंडिया वेबसाइट की संपादक गीताश्री आउटलुक पत्रिका की सहायक संपादक और बिंदिया पत्रिका की संपादक रही हैं। गीताश्री का जन्म मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। गीताश्री के प्रमुख रचनाओं में कविता जितना हक, औरत की बोली, स्त्री, आकांक्षा के मानचित्र, नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी जो की आदिवासी लड़कियों की तस्करी पर आधारित है, 23 लेखिकाएं और राजेंद्र यादव संपादन प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियां सोनमछरी शामिल है। बिहार विधान परिषद चुनाव की हुई घोषणा। बिहार विधान परिषद के होने वाले चुनाव की घोषणा कर दी गई है। बता दें कि बिहार में MLC के 24 सीटों पर चुनाव की घोषणा की गई है। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से इसकी घोषणा बीते दिन की गई। बता दें कि बिहार विधान परिषद के चुनाव को 4 अप्रैल को करवाया जाना है। चुनाव की मतगणना 7 अप्रैल को की जाएगी। 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार अपना नामांकन 16 मार्च तक कर पाएंगे, जबकि नामांकन पत्रों की जाँच 17 मार्च को होगी। 21 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 4 अप्रैल को मतदान का दिन रखा गया है। सुबह 8 से शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक पार्टियां भी अब एक्टिव हो गई हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत अब किशोरों पर भी होगी नजर। बिहार में किशोरों के टीकाकरण का काम हो रहा है। हालांकि इस अभियान से कौन से छात्र वंचित रह गए हैं, कौन से नहीं, इसका पता लगाने का काम अब स्वास्थ्य विभाग करने वाली है। इसको लेकर ही विभाग ने घर घर सर्वे के काम को शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत 27 फरवरी से ही हो गई है और ये 5 मार्च तक जारी रहने वाली है। सबसे खास बात यह है कि पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान में जुटी आशा और आंगनबाड़ी सेविकाओं ने इस काम में मदद कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में 3 जनवरी से ही किशोर टीकाकरण का अभियान शुरू है, जिसके तहत ही 26 जनवरी तक 100% किशोरों को टीकाकृत करने का लक्ष्य रखा गया था, जो कि अब तक पूरा नहीं हो पाया है। गर्मी बढ़ने के साथ ही VTR में बढ़ गई जानवरों के लिए सुविधाएं। बिहार में अब ठंड जा चुकी है, वहीं गर्मी ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद से ही अब कई घरों में पंखे, AC, कूलर भी चलने लगे हैं। इसी बीच बढ़ती गर्मी को देखते हुए ही VTR में भी अब सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत ही गर्मी के मौसम में पानी की कमी ना हो, इसको लेकर वाटर हॉल की सफाई का काम शुरू हो गया है। VTR के वन संरक्षक डॉक्टर नेशा मानी ने बताया कि आने वाले दिनों में वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी और कदम उठाए जाएंगे। इसको लेकर संबंधित विभाग से बातचीत चल रही है। बिहार में शहरी विकास के लिए बढ़ा बजट तो गांव के लिए घटा। बिहार सरकार का बजट इस बार शहरीकरण को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार के बजट में शहरों के विकास पर खास ध्यान दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस बार शहरी निकाय बढ़कर 263 भी हो गए हैं। यही कारण है कि शहरों के विकास के लिए बजट भी बढ़ा दिया गया। वहीं बात ग्रामीण इलाकों की करें तो इसमें लगातार कमी आ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार के बजट में गांव के विकास पर कम ध्यान केंद्रित किया गया है और बजट में कम राशि साझा की गई है। आलम कुछ यूं है कि नगर विकास और आवास विभाग की तरफ से इस बार लगभग 308 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, जिसमें से ही एक बड़ा हिस्सा गांव से कटकर शहरी क्षेत्र वाले इलाके में विकास पर खर्च किया जाएगा।
विक्रमशिला और गरीब रथ समेत कई ट्रेनों को फिर से किया गया रद्द। विक्रमशिला एक्सप्रेस और गरीब रथ एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनों का नियमित परिचालन कुछ समय पहले ही शुरू किया गया था, जिससे यात्रियों के बीच में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा था। लेकिन इसी बीच बीते दिन एक बार फिर से इन ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया है, जिससे ही अब दिल्ली, कानपुर आदि जगहों का सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भागलपुर के रास्ते दिल्ली तक चलने वाली ब्रह्मपुत्र मेल को फिर से कामाख्या से 13 मार्च तक और दिल्ली से 3 से 15 मार्च तक के लिए रद्द कर दिया गया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस के साथ ही यही हाल है। ट्रेन संख्या 1, 2, 3, 6, 7 अप भागलपुर आनंद विहार टर्मिनल विक्रमशिला एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को यानी कि 1 मार्च, 3 मार्च, 8 मार्च और 10 मार्च को रद्द रहेगी। मार्च में बिहार में सामान्य से ऊपर रहेगा तापमान। मार्च महीने की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद ही अब बिहार में गर्मी का एहसास भी लोगों को होने लगा है। यानी कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन बिहार के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि गर्मी का ये सितम आने वाले दिनों में और भी ज्यादा देखने को मिलने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार उत्तर बिहार में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री और उत्तर पूर्व में 28 से 30 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रहने का पूर्वानुमान है। ऐसे में होली के पहले चुलचुलाती धूप से बिहार में अधिक गर्मी पड़ सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक होली के आसपास बिहार के दक्षिण में तापमान 34 से 36 डिग्री तक पहुंचने का पूर्वानुमान है। मात्र 10,000 में दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों का करें दर्शन। अगर आप भी धार्मिक स्थलों का दर्शन करना चाहते हैं तो आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है, जिसकी मदद से आप मात्र 10,000 में दक्षिण भारत के धार्मिक स्थल का दर्शन कर सकते हैं। बिहारवासियों के लिए खासकर ये ऑफर बेहद ही लाभदायक है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बिहार के लोगों को कम खर्च में दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने का मौका दिया जा रहा है। IRCTC के मुख्य पर्यवेक्षक मुकेश प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि तीर्थयात्री विशेष पर्यटक ट्रेन से मात्र 10,395 रुपए में लोगों की यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए करवाएं लाइफ वेरिफिकेशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों को अब लाइफ वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि 10 मार्च तक करवाया जा सकता है। पटना में अब तक लगभग 1.4 लाख लाभुकों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। इसको लेकर लाभुकों को पहले 28 फरवरी तक का समय दिया गया था, लेकिन अंतिम तारीख बीत जाने के बाद भी कई लोगों ने वेरिफिकेशन नहीं करवाया था, जिसकी जानकारी निकल करके सामने आई। जिसके बाद ही ऐसे लोगों को एक और मौका दिया गया है, जिसके बाद ही अब जो भी लाभुक 10 मार्च तक लाइव वेरिफिकेशन का काम नहीं करवाएंगे, उन्हें फरवरी महीने की मार्च में मिलने वाली पेंशन से वंचित कर दिया जाएगा। आपको बता दें, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पटना जिले के 5,31,000 बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों को हर महीने 400 से 500 रुपए पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना ने निकाली रिक्तियां। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT पटना ने तकनीकी सहायक, कनिष्ठ सहायक, लेखा के कुल मिलाकर 38 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास प्रासंगिक विषय में स्नातक डिग्री, डिप्लोमा या टाइपिंग और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के साथ 10+2 में डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 22 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.nitp.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। लालू यादव की मंजूर हुई जमानत याचिका। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। बता दें कि उनकी जमानत याचिका पर 4 मार्च को सुनवाई होनी है। साथ ही लालू यादव के वकील देवर्षि मंडल ने कोर्ट से आग्रह किया है कि विशेष श्रेणी में शामिल कर सुनवाई की जाए। साथ ही साथ उन्होंने लालू यादव की उम्र का हवाला भी दिया। आपको बता दें, डोरांडा कोषागार मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ उन्हें 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। CBI कोर्ट से फैसला सामने आने के बाद ही ये कहा गया था कि लालू यादव के इस फैसले को लेकर वो जल्द ही हाई कोर्ट में जाएंगे, जिसके बाद ही अब उन्हें बीते दिन राहत मिली है। विकास के लक्ष्य में पिछड़ा बिहार। बिहार सरकार भले ही बिहार में विकास के नए आयाम लिखने के दावे करती आई हो, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये आप भी जानते हैं। और अब तो केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए रिपोर्ट के बाद चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो गई हैं। बीते दिन भारत सतत विकास लक्ष्य की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें भारत तो इस साल 120वें स्थान पर रही, लेकिन भारत में बिहार और झारखंड रैंकिंग में निचले पायदान पर पाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2030 तक सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के मामले में झारखंड और बिहार सबसे कम तैयार है। वहीं भारत में केरल पहले नंबर पर है, जिसकी सारी जानकारी पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीते दिन ही जारी की है। जारी किए गए इस पर्यावरण रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की रैंकिंग में ये जो गिरावट आई है, उसकी मूल वजह है भूख, अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और लैंगिक समानता की चुनौतियां हैं।
शेखपुरा के विष्णुधाम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। जिले के सामस गांव में स्थित विष्णुधाम मंदिर में भगवान विष्णु की 1100 वर्ष पुरानी अद्भुत मूर्ति स्थापित है। ये मूर्ति 7.5 फीट ऊंची जबकि 3.5 फीट चौड़ी है। भगवान विष्णु की यह काले पत्थर से बनी मूर्ति खड़ी अवस्था में है और इनके चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। इतिहासकारों का मानना है कि मूर्ति पर जिस तरह की लिपि लिखी गई है उसका उत्तर भारत में मिलने का प्रमाण 9वीं सदी के बाद का है। इस मूर्ति में एक और खासियत यह है कि मूर्ति पर मूर्तिकार का नाम सिद्धदेव भी उकेरा गया है। भगवान विष्णु की यह मूर्ति तालाब में खुदाई के वक्त 1992 में मिली थी। मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ दो अन्य छोटी मूर्तियां भी है, पर किस देवी देवता की है ये ज्ञात फिलहाल नहीं हो पाया है। UGC ने बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से मांगा फीडबैक। बिहार के विश्वविद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की सामाजिक जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बीते दिन नई पहल की है, जिसके तहत ही नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के साथ ही अब शिक्षा का इस्तेमाल सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ाने का भी बताया गया है। इस जिम्मेदारी को ही अब छात्र और शिक्षक अपने अपने स्तर पर मिलकर उठाने वाले हैं। इसको लेकर UGC ने पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। उन्नत भारत अभियान के तहत UGC ने सामाजिक क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने का जो फ्रेमवर्क तैयार किया है उसको लेकर सभी विश्वविद्यालयों से फीडबैक मांगा गया, जो कि 15 मार्च तक भेज देना है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि UGC ने इस कोर्स के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार किया है उसमें छात्रों को क्रेडिट भी मिलेगा। ताड़ी से प्रतिबंध हटाने को लेकर बीते दिन हुआ आंदोलन। बिहार में ताड़ी पर बिहार सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसका विरोध ही बिहार भर में किया जा रहा। इसकी झलक बीते दिन एक बार फिर से देखने को मिली, जब पासी समाज के लोगों ने इस प्रतिबंध को हटाने की मांग की। इसको लेकर ये सभी लोग पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करने जुटे थे। जन आक्रोश मार्च में शामिल लोगों का कहना है कि राज्य में ताड़ी पर प्रतिबंध को पूरी तरह से हटाया जाए। उनकी मांग है कि सरकार नीरा का व्यापार शुरू करने के लिए कह रही है, लेकिन जो लोग ताड़ी का व्यापार कर रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी क्यों कर रही है। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार की नीति हमारे लिए सही नहीं है, हम लोगों को ताड़ी बेचने दिया जाए। बिहार में पहले से ज्यादा सेहतमंद हो रहे हैं बच्चे। बिहार में नवजात कमजोर पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट जारी है। साल 2015 में जहां राज्य में 56% बच्चे कमजोर पैदा हुए थे, वो साल 2021 में घटकर 35% हो गई है। आलम कुछ यूं है कि नवजात बच्चों के जान जाने के आंकड़े में भी गिरावट आई है। स्वास्थ्य विभाग के हस्तक्षेप और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत का परिणाम है कि बिहार में नवजात शिशु मृत्यु दर साल 2020-21 में प्रति 1000 पर 29 से 25 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते कुछ साल से प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सराहनीय सुधार हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ही राज्य के केयर इंडिया के सहयोग से कमजोर नवजात की देखभाल के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। सीएम नीतीश के प्रधान सचिव को पटना हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। पटना हाईकोर्ट ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस गैर कानूनी तरीके से हटाए गए मोतिहारी के लोक अभियोजक जयप्रकाश मिश्र को अदालत के आदेश के बाद भी पद पर बहाल नहीं किए जाने के संबंध में जारी किया है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से जस्टिस PB बजरंत्री ने मोतिहारी के लोक अभियोजक जयप्रकाश मिश्र की तरफ से दायर अवमानना के मामले में सुनवाई की। इस दौरान ही कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा को खुद ही पहल कर अदालती आदेश का पालन करना चाहिए था। कोर्ट का कहना था कि विधि विभाग के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया था। दरभंगा एयरपोर्ट को नई जगह पर किया जा सकता है शिफ्ट। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट को नई जगह पर शिफ्ट करने की योजना बनाई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार नए रनवे और सिविल इनक्लेव के निर्माण को लेकर भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक प्रक्रिया तेज हो गई है, जिसके बाद ही नए रनवे के लिए जमीन चिन्हित करने की प्रारंभिक अधिसूचना जारी हो गई है। जिला भू अर्जन कार्यालय की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार नए रनवे के लिए वसुदेवपुर बेला नवादा में 24 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। इस प्रस्ताव को DM राजीव रोशन की तरफ से अनुमोदित किए जाने के बाद अधिसूचना प्रकाशन के लिए पूरी रिपोर्ट सरकार की सूचना और जनसंपर्क विभाग को भेजी गई थी। सरकार का विरोध करने की सीएम नीतीश ने विपक्ष को दी खुली छूट। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा सत्र के दौरान कई बातें कही, जिसके तहत ही उन्होंने पहले तो अपने संबोधन में विपक्ष को सरकार की आलोचना करने की छूट दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने विपक्ष को दो टूक नसीहत भी दे दी, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि आप हमारी सरकार की खूब आलोचना करें, लेकिन देश के अन्य राज्यों में जाकर बिहार पर गर्व कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिन राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि NCRB के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की कानून व्यवस्था देश में बेहद अच्छी है। संघीय अपराध के मामले में बिहार 25वें स्थान पर है, जबकि आबादी के मामले में बिहार 3रे स्थान पर है। साथ ही इस दौरान सीएम नीतीश ने बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आने की बात कही। RSS के खिलाफ तेजस्वी के बयान से भड़के तारकिशोर।
बीते दिन विधानसभा सत्र के दौरान उम्मीद के अनुसार ही खूब हंगामा देखने को मिला। पहले ही सुबह सदन में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था कि तेजस्वी के आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान ने और ज्यादा माहौल गर्म कर दिया। तेजस्वी के बयान का स्तर आप इसी से समझ सकते हैं कि खुद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि तेजस्वी ने बातों ही बातों में आरएसएस को खतरनाक कह दिया, जिसके बाद क्या था, उनका ये बयान भाजपा को नागवार गुजरा और तारकिशोर प्रसाद ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टिप्पणी की है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। आरएसएस ऐसी राष्ट्रवादी संस्था है जिससे सदस्य होने पर हम सभी गौरवान्वित है। सदन में दिखा तेज प्रताप का रौद्र रूप, भाई के समझाने पर भी नहीं माने तेज। बीते दिन विधानसभा की कार्रवाई बेहद ही हंगामेदार रही। जहां पहले तेजस्वी के आरएसएस के खिलाफ दिए गए बयान ने माहौल गर्म कर दिया, वहीं जिसके बाद तेज प्रताप का रौद्र रूप देखने को मिला। हुआ कुछ यूं कि राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा था, इस दौरान तेज प्रताप यादव भाजपा विधायकों पर तमतमा उठे। आलम कुछ यूं था कि तेजस्वी यादव उन्हें शांत करने की कोशिश करते रह गए, लेकिन वो चुप नहीं बैठे। आखिरकार स्पीकर ने सदन की कार्यवाही ही स्थगित कर दी। हालांकि तेज प्रताप का माइक बंद था, इसे ये तो पता नहीं चल पाया कि आखिर वो क्या बोल रहे थे, लेकिन उनके एक्सप्रेशन को देखकर इस बात का अंदाजा जरूर लगाया गया है कि वो बहुत ही गुस्से में थे। पीएम किसान सम्मान का लाभ लेने के लिए 31 मार्च तक हर हाल में कर ले ये काम। किसानों को आर्थिक मदद मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पीएम किसान सम्मान की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत ही साल में हर किसान के खाते में 6,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में भेजी जाती है। हालांकि अब इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियमों को सख्ती से लागू कर दिया गया है, जिसका पालन करना बेहद ही जरूरी है। योजना के अनुसार 31 मार्च से पहले उन्हें हर हाल में नो योर कस्टमर वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी करवाना होगा। अगर 31 मार्च तक आपने अपना केवाईसी नहीं करवाया है तो आप अगली किश्त से वंचित रह सकते हैं। इसको लेकर किसानों से अपील की गई है कि वो गांव के वसुधा केंद्र यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय मुगल बादशाह अकबर ने 1575 में बंगाली सेना को तुकरोई की लड़ाई में पराजित किया। राजा राव नंदलाल मंडलोई ने 1716 में इंदौर शहर की स्थापना की। महात्मा गांधी जी के 1939 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया। सातवां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन नई दिल्ली में 1983 में संपन्न हुआ। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति और टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का 1839 में जन्म हुआ था। भारत के प्रसिद्ध अभिनेता और कॉमेडियन जसपाल भट्टी जी का 1955 में जन्म हुआ था। मुगल साम्राज्य का आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब का सन 1707 में अहमदनगर में निधन हुआ था। बुमराह ने अश्विन के फिटनेस को लेकर दिया अपडेट। भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन को लेकर भारतीय टीम के तेज गेंदबाज और उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने गुड न्यूज दी है। उन्होंने बताया कि वो अपनी चोट से उबर रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट मैच के अभ्यास में वो सहज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 3 T20 मैच की सीरीज से वो बाहर थे। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपकप्तान ने अश्विन के बारे में बड़ी अपडेट दी और कहा है कि मुझे लगता है कि अश्विन अब ठीक है। उन्होंने अभ्यास के दौरान गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग भी सहज तरीके से की है। अपने पद को लेकर बुमराह ने कहा कि उपकप्तान केवल एक पद है, हमारी भूमिका है कि किसी भी हाल में खिलाड़ियों की मदद करना। बुमराह के दिए गए बयान से ऐसा कहा जा सकता है कि अश्विन श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध होंगे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है करण कुमार, गौतम कुमार, रामनवमी मांझी, मनीष मोरा, रघुनाथ प्रसाद, निकिता कुमारी, विश्वास फाउंडेशन, राजीव कुमार, सुनील कुमार, प्रिया यादव, मनीषा, रंजीत मेहता। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आगामी 4 मार्च को लालू यादव की जमानत याचिका पर होने वाली सुनवाई में उन्हें जमानत मिलनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।